हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी में। और मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़। आज मैं ज्योमेट्री के पार्ट थ्री के बारे में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अब तक हम पार्ट दो देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने रेखा और कोण के बारे में देखा था, सेकंड पार्ट में हमने त्रिभुज की कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय देखी थी। अब इस पार्ट में हम सर्वांग समता, समरूपता, साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट प्रमेय जो त्रिभुज से रिलेटेड है वो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पार्ट थ्री की। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सर्वांग समता के बारे में कि सर्वांग समता क्या होती है। तो सर्वांग समता या कॉन्ग्रेंट की अगर हम बात करें तो इसको हम चार तरीके से डिफाइन करती हैं। सबसे पहले तो सर्वांग समता जो है वो हम डिसाइड करेंगे भुजा कोण भुजा से। देखिए नाम से स्पष्ट है सर्वांग समता होती क्या है, सर्व अंग समान। अगर इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या क्लियर होगा, सर्व अंग समान। यानी कि ऐसे दो त्रिभुज या ऐसी कोई भी दो आकृतियां जिनकी सभी अंग समान हो, सभी भुजाएं, सभी त्रिज्याएं, जो भी है वो सब समान होगा दोनों आकृतियों में, तो कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। फिलहाल हम अभी त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यदि हम दो त्रिभुज लें, सपोज दैट एक त्रिभुज हमने एबीसी लिया और दूसरा त्रिभुज हम यहाँ ले लेते हैं पीक्यूआर। ओके, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनमें भुजा कोण भुजा प्रमेय अप्लाई होगी। तो भुजा कोण भुजा प्रमेय क्या है ये समझ लीजिए, ऐसे दो त्रिभुज जिनमें भुजा कोण भुजा, ओके? तो ऐसे दो त्रिभुज जिनमें दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी, संगत भुजाएं, और उनके बीच का अंतरित कोण भी बराबर होगा। जैसे कि इन दोनों त्रिभुज में अगर AB PQ के बराबर हो जाए और BC जो है वो QR के बराबर हो जाए, तो साथ ही साथ इनके बीच का जो कोण है, कोण B और कोण Q, संगत कोण, ये भी बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समांग सम होंगे। यहां पर यदि AB बराबर PQ, ओके, संगत भुजा बराबर होनी चाहिए, और BC की संगत है QR, ये भी बराबर है, और इनके बीच का कोण, कोण B बराबर कोण Q, बीच का अंतरित कोण, ये भी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है ना। ये सर्वांगसम का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के ऊपर इस तरह से लाइन खींच दीजिए टेढ़ी वक्र रेखा, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम का चिन्ह हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांगसम हो गए, किससे, भुजा कोण भुजा प्रमेय से। ठीक ऐसी दूसरी प्रमेय होती है कोण भुजा कोण प्रमेय, कोण भुजा कोण। तो जैसा इसमें था वैसे इसमें है, लेकिन यहां पर क्या है कि दो कोण, कोई भी दो कोण संगत, ठीक है ना, जैसे कोण B है कोण Q के बराबर हो गया, यदि कोण C कोण R के बराबर हो जाए और उनके बीच की अंतरित भुजा है ना, दोनों कोणों के बीच की भुजा, तो दोनों कोणों के बीच की भुजा यहां पर BC और यहां पर QR है, ये भी बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी कि अब कंडीशन क्या हो गई, दो तो कोण बराबर हैं, कोण B संगत कोण Q के बराबर हो गया, ओके, और कोण C जो है वो संगत कोण R के बराबर हो गया, क्लियर ना। तो कोण B कोण Q के और कोण C कोण R के बराबर है, तो अब क्या है, इनके बीच की भुजा BC बराबर QR, ठीक है ना, ये भी बराबर है। तो ऐसी स्थिति में फिर से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR। ओके, यहां पर दूसरी प्रमेय भी क्लियर। तो सर्वांगसमता निकालने की ये अलग अलग प्रमेय हैं। तीसरी प्रमेय क्या है, भुजा भुजा और भुजा, ठीक है ना। अब इनको अगर हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ना, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और ये हो जाएगा साइड साइड साइड। तो भुजा 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 प्रमेय में इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं या तीनों संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो तीनों संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी की संगत पी क्यू, बी सी की संगत क्यू आर, तो बी सी बराबर क्यू आर, और सी ए की संगत आर पी, सी ए की संगत भुजा आर पी हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम फिर से कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पीक्यूआर के। आ रहा है समझ में, बिल्कुल एकदम क्लियर है। सर्वांगसम का मतलब क्या है कि हूबहू एक जैसी आकृति, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वजन सब कुछ बराबर हो, ऐसी आकृति को हम कहते हैं सर्वांगसम। तो यहां पर तीन प्रमेय हमने अभी समझ ली है, और चौथी क्या है सर्वांगसमता के लिए, वो है समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। समकोण कर्ण भुजा प्रमेय क्या होती है, जैसे कोई भी दो समकोण त्रिभुज हैं, ये समकोण त्रिभुज के लिए बनी है स्पेशली,
तो समकोण त्रिभुज दो समकोण त्रिभुज हैं एबीसी देन पीक्यूआर। ओके, तो एक तो कोण बराबर होता ही है, समकोण है इसीलिए 90 डिग्री का एक कोण तो बराबर होता ही है दोनों में। अब इसके साथ साथ वो कह रहा है कि एक तो कर्ण दोनों ही है ना, दोनों में संगत कर्ण जो है वो बराबर हो, और भुजा ठीक है ना, कोई भी एक भुजा लेकिन दोनों में संगत भुजा बराबर हो। जैसे कि समकोण तो है, अब इसमें कर्ण एसी बराबर हो जाएगा किसके, कर्ण पीआर के। ओके, और साथ ही साथ दोनों में से कोई भी एक भुजा, सपोज दैट मान लीजिए ए बी बराबर इसकी संगत पीक्यू, ये बराबर हो गई, तो बस ऐसी स्थिति में हम कह देंगे कि त्रिभुज एबीसी संगत सर्वांगसम होगा त्रिभुज पीक्यूआर के, ठीक है ना। तो यहां पर सर्वांगसमता तो आपको क्लियर समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं समरूपता। तो समरूपता और सर्वांगसमता में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले ये चीज समझिए कि सर्वांगसमता में तो क्या होता है कि दो आकृतियां एक जैसी होंगी, लंबाई चौड़ाई प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक कोण बराबर, सब कुछ बराबर ठीक है ना। लेकिन समरूपता में क्या होता है कि एक जैसे दिखते हैं लेकिन बराबर होते नहीं है। जैसे कि दो त्रिभुज मैंने बनाए तो क्लियर दिख रहा है ये छोटा है ये बड़ा है ना, इनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर तो नहीं है लेकिन समान अनुपात में होंगी, यानी कि एक जैसे अनुपात में, अगर ये भुजा दुगनी हो रही है तो ये भी दुगनी होगी, ये भी दुगनी होगी, एक अनुपात में अगर इंक्रीज होगा तो उसको हम कहेंगे समरूपता। एक जैसे दिख रहे हैं है ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर बेटा जो है वो पिता के जैसा दिखता है ठीक है ना, तो लेकिन वो क्या कहेंगे, समरूप कहे जाएंगे, सर्वांगसम नहीं कहे जाएंगे। और सर्वांगसम का मान लीजिए जैसे जुड़वा ठीक है ना, जैसे सलमान खान भाई जुड़वा में दो एक जैसे थे, सेम टू सेम, लंबाई चौड़ाई हाइट वेट सब सेम, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे सर्वांगसम, लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन लंबाई चौड़ाई में अलग अलग है तो उनको हम कहेंगे समरूप। ओके, तो यह मैंने अभी क्या कहा कि समानुपातिक हो, तो वहीं से पहली चीज इसकी निकल के आ रही है, इसमें लगती है एक भुजा भुजा और भुजा प्रमेय ठीक है ना, या साइड साइड साइड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखिए वहां तो भुजा सभी बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वो सर्वांगसम हो जाएगा, लेकिन समरूपता में संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए ना कि बराबर। अर्थात इसकी संगत भुजा क्या हो गई ए बी, तो संगत भुजा इसकी क्या हो जाएगी पी क्यू, यहां बी सी है और इसकी संगत भुजा क्यू आर, और यहां सी ए है तो इसकी संगत भुजा आर पी या पी आर। ओके, तो जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ऐसे में हम इन्हें क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे ठीक है ना। दूसरा क्या है यहां पर, कोण प्रमेय, कोण कोण और कोण ठीक है ना, या एंगल एंगल एंड एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग समरूप कैसे सिद्ध करेंगे हम, जब यहां पर कोण बराबर होंगे। अब कोणों में अनुपात थोड़ी ना देखेंगे हम, कोण बराबर होंगे तो बराबर कोण भी हो सकते हैं। जैसे अगर ये त्रिभुज की मैं बात करूं, तो अगर ये त्रिभुज मैंने ले लिया मान लीजिए सपोज दैट 50 50 80, ओके, तो ये भी कोण अगर मैंने ले लिए 50 50 और 80 डिग्री में, तो ऐसे में क्या है कि कोण बराबर है, संगत कोण ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो संगत कोण बराबर है, लेकिन फिर भी भुजाओं की माप जो है वो अलग अलग होगी। ऐसे में सभी भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में निकल के आएंगी। यानी कि अगर मान लीजिए इसकी लंबाई 5 है और इसकी 10 है, यानी कि दुगुनी हो रही है, तो ये समान अनुपात में बढ़ेंगी। ये 6 है तो ये 12 होगी है ना, ये 8 है तो अब ये 16 हो जाएगी, क्या होगा समान अनुपात में बढ़ेंगी, तो इसी को हम कहते हैं समरूपता। लेकिन कोण क्या होती है, बराबर होती है, जैसे कोण ए बराबर होगा कोण पी संगत कोण के, ओके, कोण बी बराबर होगा किसके, कोण संगत कोण क्यू के, और कोण सी कोण आर के, कोण आर के। तो ऐसी इन दोनों स्थितियों में हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, और समरूप के लिए क्या चिन्ह होता है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, समरूप के लिए केवल इस तरह से कर्व लाइन खींचनी है आपको, नीचे बराबर का चिन्ह नहीं लगाना, नीचे बराबर लगाते हो तो सर्वांगसमता का, और लेकिन केवल कर्व लाइन खींचते हो तो समरूप का चिन्ह हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन से या तो भुजाएं समानुपातिक हो या सभी कोण संगत कोण बराबर हो तो क्या होंगे, वो समरूप होंगे। तीसरा क्या है यहां पर, हम कह लें भुजा कोण भुजा प्रमेय ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा कि दो संगत भुजाएं तो इसमें समानुपात में होनी चाहिए लेकिन उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी दो संगत भुजा ले लो, इसमें ए बी ले लिया, इसका पी क्यू ले लिया, इन दोनों का अनुपात
बीसी ले लिया और क्यू आर ले लिया, इन दोनों का अनुपात ये आपस में बराबर होंगे और उनके बीच का कोण ये जो है वो बराबर होना चाहिए, जैसे कि ए बी बटा पी क्यू, ठीक है ना, ए बी और पी क्यू संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा अन्य संगत भुजाओं के अनुपात के, बीसी बटा क्यू आर, ओके। साथ ही साथ इनका जो बीच का कोण है, इन दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण बी और इन दोनों संगत भुजाओं के बीच का कोण क्यू, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस यही है कि कोई भी दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं आपस में समानुपात में हो और उनके बीच का जो कोण है वो बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर में, ओके। तो यहां पर ये समरूपता हमने समझी तीन प्रमेय से, तो उम्मीद है आपको सर्वांग समता और समरूपता यहां क्लियर हो गई हो। अब आपने सर्वांग समता और समरूपता तो पढ़ लिया, लेकिन अब इनका यूज क्या है, इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि समरूपता की इंपॉर्टेंस सर्वांग समता से बहुत ज्यादा है, समरूपता पर ही क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जो चीजें मैंने लिखी हैं आप इसको नोट कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए क्या है कि क्षेत्रफलों का अनुपात किसका, दो समरूप त्रिभुजों में, कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी रहा, ओके, और ये त्रिभुज पीक्यूआर रहा, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब इन दोनों समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, ये क्या हो गया, क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा किसके, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, ओके। कोई भी दो संगत भुजा ले लो, अगर आप AB ले रहे हो तो उसका PQ के साथ अनुपात लेना पड़ेगा, BC ले रहे हो तो QR के साथ, क्योंकि ये संगत आपको लेनी पड़ेगी, संगत का मतलब उसी के स्थान पर उपलब्ध, ठीक है ना, और CA का मतलब PR या RP, ये संगत भुजाएं होगी, तो किन्हीं भी संगत भुजाओं का अनुपात ले लीजिए और उनका वर्ग कर दीजिए, आपको उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर अनुपात मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल होता है कि क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं कि दो समरूप त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं, जिनकी कोई भी दो संगत भुजाएं क्रमशः 5 और 6 हैं, ठीक है ना, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ऐसे सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, 5/6 या 5/6, ठीक है ना, आपको क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग आपको करना पड़ेगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात और उसका वर्ग करोगे तो आपको मिल जाएगा 25/36 क्षेत्रफलों का अनुपात, आंसर है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल कि संगत भुजाओं का अनुपात दिया है तो वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ऐसे ही परिमापों का, दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात आपको दिया है तो आप उसका वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। संगत माध्यिकाओं का अनुपात आपको दिया है, वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। माध्यिका क्या होती है ये आगे बताएंगे, फिलहाल ये समझते चलिए। अब चूंकि क्षेत्रफल को छोड़ देगा हम थोड़ी देर के लिए, तो इनमें कंपैरिजन कीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात इसका वर्ग बराबर, परिमापों का अनुपात इसका वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा दोनों का, ठीक है ना, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा परिमापों के अनुपात, यानी कि अगर आपको संगत भुजाओं का अनुपात 5/6 दिया था तो परिमापों का अनुपात पूछे क्या होगा, 5/6 ही होगा, बराबर है, ठीक है, ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा, 5/6 ही होगा फिर, और संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, वो भी 5/6 होगा, ये सब की सब बराबर हैं, यहां से आपस में वर्ग कट जाएंगे, ये सब की सब बराबर आ जाएंगे, ओके। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो इन सभी के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल 100% इससे क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको ये जो है वो परिभाषा या पॉइंट्स के फैक्ट के रूप में जो है आपको नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप नोट्स में इनको पढ़ लेना, लेकिन फिलहाल इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हमने सर्वांग समता और समरूपता से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, विशेषकर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा इससे क्वेश्चन आता है। आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद आगे के पार्ट में हम देखेंगे, तो रेगुलर हमारे वीडियोस आप देखते रहिए, इसका अपडेट आपको अगर नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके नजदीक बेल आइकन को क्लिक करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उसकी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी जो नोट्स है आप वो भी प्राप्त कर सकते हैं, पिछले वीडियोस की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आपको वीडियोस के वहां भी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहती है ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। एडवांस मैथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर कोई पढ़ाता नहीं है यूट्यूब पर भी, ठीक है ना, तो ये जो है वो आप पढ़ते चलिए, आपसे एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहने वाला नहीं है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना आपको। लेकिन देखने हमारे सारे वीडियो पढ़ेंगे इसके लिए, तो रेगुलर देखते रहिए,
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी है। थैंक यू, गुड बाय।